नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है उसने 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घोटाला किया है और ये हाईवे प्रोजेक्ट्स संबंधित ये पूरा घोटाला है। 10,000 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अब इसमें सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक पॉइंट में बता देती हूँ और उसके बाद फिर आज की हम चर्चा शुरू करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कुछ ऐसे सिलेक्ट कंपनीज को दिए हैं, कुछ चुनिंदा कंपनीज को दिए हैं जिनके एवज में सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, यानी कि उन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की उगाही हुई है और जिससे कि डोनेशंस के बाद टैक्स पेयर का जो मनी है उसमें कितना लॉस हुआ है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पर किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की है जिससे कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब कहां कहां घोटाले हुए हैं? जो टेंडरिंग की प्रतिक्रिया थी यानी कि टेंडरिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट किया गया, उसमें घालमेल किया गया, जैसे कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको बाईपास कर दिया गया, जो रूल कहता है कि आप दो कंपनीज को आप प्रोजेक्ट्स ही दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर चार कंपनीज को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, यानी कि 2 companies were awarded 4 projects, यानी कि 2 companies को 4 projects दिए गए थे जो कि रूल्स के खिलाफ है। और जो टनल कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। टनल प्रोजेक्ट केवल और केवल 10% पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्राइज करता था, यानी केवल 10% काम ही टनल प्रोजेक्ट का था, लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से दिखाया गया कि वो पूरा ही पूरा टनल प्रोजेक्ट है और जिसके वजह से महाराष्ट्र की सरकार की जो पूरी कॉस्ट है वो महाराष्ट्र महायुति सरकार ने 20,990 करोड़ दिखाए हैं। और यही काम अगर आप दूसरी जगह देखें या दूसरे राज्यों में देखें तो ये केवल 10,087 करोड़ रुपए में हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा सीधा जो नुकसान है वो 10,000 करोड़ रुपए का है। अब ये वो सरकार है जो मोदी जी ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया जिसके बारे में आज कांग्रेस ने इसको अनकवर किया है, तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? भ्रष्टाचार का मुद्दा इसके पहले भी बना है और लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड से उगाही का मामला यहाँ पर है, टेंडरिंग प्रोसेस में मैनिपुलेशन है, टनल प्रोजेक्ट्स के जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन सरकार ये कहती है कि भाई हम तो बेदाग हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। तो क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा अब बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, इसी पर हम समझते हैं। हमारे साथ इस समय शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के स्पोक्सपर्सन किशोर तिवारी जी हैं। किशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में किशोर तिवारी से शुरू करती हूँ कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे प्रोजेक्ट्स का घोटाला है सर, ये कितना बड़ा मुद्दा है वाकई में और इसको क्या वाकई में अब जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है इसको इसको क्या एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? जी देखो, सरकार के पास पैसे नहीं थे, सरकार ने इतने काम खोल दिए और अभी कैसा है कि MSRDC यानी रास्ते बनाने का कॉरपोरेशन ने ये टेंडर में उगाही की है और उस टेंडर में देखते हैं तो ना ही के टेंडर के रेट में और इस रेट में ही फर्क है और ना ही के रेट जो है ना ही ने जो टेंडर बनाए थे तो इसमें कैसा था कि आपने सिलेक्टिव बिडर को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त स्पेसिफिकेशन ही ऐसे बनाए कि इनको ही मिले और इसमें 10,000 करोड़ ज्यादा लग गए सरकार के, 20,000 करोड़ के जगह 10,000 करोड़ में ही होता था तो 20,000 करोड़ का बना दिया, यानी 100% कीमतें बढ़ाई गई। ऊपर से जो कंपनियों को मिलना चाहिए उन कंपनियों से इलेक्ट्रल मैंड उन्होंने बीजेपी को दिए, तो ऐसा स्पष्ट नजर आता है कि करप्शन भी किया गया और जिन्होंने जिन्होंने घूस दी उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया। अब कैसा हुआ कि यह है MSRDC जो रास्ते बनाने का कॉरपोरेशन है, तो इस कॉरपोरेशन की एक बात मैं आपको और बताता हूं।
30 कारपोरेशन ने टोल माफ किया अभी, तो टोल तो माफ किए और उसकी बड़ी वो की, लेकिन जो 5 टोल इन्होंने माफ किए, तो जिसको वो टोल वसूल करने वाली कंपनी थी उसको भी पैसे देने का इन्होंने अवार्ड भी कर दिया, और उसके बेनिफिशियरी ये शिंदे साहब के बहुत नजदीक है थाना के। अब एमएसआरडीसी का 10,000 करोड़ का, यहां करीबन ना टोल के अंदर भी 2,000 करोड़ का अवार्ड, उसके बाद 70,000 करोड़ का एमएसआरटीसी, एमएसआरटीसी ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इन्होंने इलेक्ट्रिक बस ली है, इशुनेरी बस, और इलेक्ट्रिक बसेस अभी बेस्ट में चल रही है, इलेक्ट्रिक बसेस कॉन्ट्रैक्ट पर नागपुर कॉरपोरेशन में चल रही है, यानी बंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चल रही है, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चल रही है, इन दोनों से इसको पर किलोमीटर रेट देते वक्त इस सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया उगाही की है। यानी एमएसआरडीसी के आज पवन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया, अब ई बस के अंदर मुझे लगता है 2-4 दिन में आ जाएगी ये भी बात, टोल के अंदर भी बहुत सारे विसल ब्लोअर्स ने बोला है कि ये एमईएपी कंपनी को दिए जा रहे हैं पैसे। हुआ क्या कि सरकार पूरी की पूरी यह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सरकार हो गई थी, आखिरी 3 महीने में केवल कॉन्ट्रैक्टर ही लियाजोन कर रहे थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उतने सारे कॉन्ट्रैक्ट में भारी भक्कम भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन नीलू जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ना ही तो महाराष्ट्र की मीडिया, ना ही तो महाराष्ट्र का अपोजिशन इस पे बात कर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है। अभी ये पवन खेड़ा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो ये नहीं बोले उन्होंने कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कंपनियों से डायरेक्ट रिलेशन है, ये बोला ही नहीं इन्होंने। और ऐसा है कि आप ये कर क्या रहे हो, देखिए बीजेपी को, किशोर जी आपने ये कहा कि पवन खेड़ा ने डायरेक्ट मोदी का और अमित शाह का नाम नहीं लिया, तो क्या ये एक गलती थी या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि ठीक है प्रधानमंत्री और अमित शाह का नाम क्यों लिया जाए इसमें, जबकि महाराष्ट्र महायुति की सरकार है, उसको कटघरे में खड़ा करना ज्यादा बेटर है। जब उन्होंने कहा कि ये मैंने इतने सारे कागजात दिए, अब मीडिया ने खंगोलना चाहिए, मैं ही सारा काम करूं, मीडिया का भी काम मैं ही करूं। अरे विपक्ष जब आता है तो डॉक्यूमेंटेशन लेके आता है तो खुलकर बोलना चाहिए। महाराष्ट्र की भ्रष्ट सरकार ये केंद्र के भ्रष्ट सरकार का एक्सटेंशन है, सारी फाइलें अमित शाह साइन करते, अमित शाह का एक अफसर बैठा हुआ रहता है, केंद्र के पैसे जो भी सैंक्शन होते थे उसके पहले 10% रकम उसी जिस कॉन्ट्रैक्टर को देना है उसको पहुंचा देना पड़ता था, यानी नक रग रग में इनके भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और मैं बीजेपी और आरएसएस को नजदीक से देखते आया, लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रग रग में भ्रष्टाचार चालू है। मुंबई में सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अडानी पूरी जमीन हड़प ले रहा है, अडानी के प्रोजेक्ट में कोई आवाज उठाता है तो उसको गोली से मार दिया जाता है, लेकिन मीडिया ये बातों पे बात ही नहीं करता है कोई। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर भरत नगर का प्रोजेक्ट ये अडानी जी का है, तो उनकी पुलिस कस्टडी ले लेना चाहिए। इसमें भी मोदी के जो दोस्त लोग, इसका क्या होगा मुझे भी मालूम है। डिस्कनेक्ट हो गए किशोर जी, हाँ सॉरी बीच में आपकी आवाज चली गई थी, आप कह रहे थे कि उनकी कस्टडी लेना चाहिए। हाँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक संगीन बात रखी गई है। मेरे साथ प्रकाश है तो प्रकाश भी बताएगा, करीबन करीबन 1,00,000 से 1.5 लाख करोड़ के उगाही के काम
अभी अभी कर दिए गए। देखो पहले करप्शन है ना 5% 10% का खेल था, अभी तो एमएलए अपने काम के 30% पहले ले लेते हैं। एक एक एमएलए को 30-30 करोड़ 300-300 करोड़ के काम दे दिए, पैसा बिल्कुल नहीं है सरकार के पास। 8 लाख करोड़ का कर्जा करने के बाद भी सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने क्या मुझे नहीं मालूम 7 या 8 हजार करोड़ रुपया लाडली बहना में खर्चा किया और 10-11 हजार रुपया और प्रोविजन रखी है, तो ये सब पैसे बांट देंगे वो लोगों में। लेकिन उगाही इन्होंने 2 लाख करोड़ की है और बहुत ही एक मासिव रैकेट चलने लगे हैं देश में। और महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है, अब मैं प्रकाश जी के पास आती हूँ। आपने इंपॉर्टेंट बातें कुछ कही। पहले बात आपने कहा कि भाई अदानी जी की कस्टडी ले ले, जब इतना ज्यादा अदानी को ही फेवर करते हुए प्रोजेक्ट सारे बना रहे। लेकिन उससे भी जो बड़ा सवाल है प्रकाश जी, मैं आपके पास आती हूँ कि ये जो 10 हजार करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम है क्या, और इसकी जो उगाही हुई है कि उन्हीं कंपनीज को ये काम दिया गया है जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए गए हैं, यानी कि उगाही का ये पूरा रैकेट है। टनल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मैनिपुलेशन हुआ है, आखिर ये कर क्या रही है महायुति की सरकार, और क्या ये उगाही के दम पर ही वापस सत्ता में आना चाहते हैं? नीलू जी देखिए, ये एक्चुअली जो हमारा ये जो आज का डिबेट है ना, ये मैं तो ये बोलता हूँ कि या इन्होंने जो ये बोला है अपना पवन खेरा ने, बहुत ही इमैच्योर्ड वो बोल रहे हैं, उनको पूरी जानकारी है ही नहीं। ये 10 हजार करोड़ की आप क्या बात कर रहे हैं, 10 हजार करोड़ की क्या बात कर रहे हैं? देखिए इनके जो रोड्स कंस्ट्रक्शन हुए हैं, ये रोड मिनिस्टर ने बोला है नितिन गडकरी जी ने कि उन्होंने 50 लाख करोड़ रुपए के अभी तक के रस्ते बनाए। अब 50 लाख करोड़ में अगर समझ लो वो सारा मिला के, सारी ये मिला के 10% लेवे तो कितना हो गया 5 लाख करोड़, 20% लेवे तो कितना हो गया 10 लाख करोड़, और सिर्फ 1% ही रखा है ऐसा समझ लो तो कितना हो गया 50 लाख करोड़ रुपए। 1% का मतलब है 50 हजार करोड़ रुपए, 50 हजार करोड़। देखिए पैसे खाने की, और ये जो अभी फिलहाल में चल रहा है ना, एक बात आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो पैसा अगर कमाना है तो सरकार की तिजोरी में हाथ डाल के और वो ऑफिसर को बोल के कि भाई मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भेजो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। अगर आपको पैसा जमाना है, खाना है, तो आफ्टरऑल आपको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही खाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू देखिए सीधा, आप दवाई कब खाएंगे जब बीमार गिरेंगे, बीमार कब होगे अगर आप गलत खाना खा लिए। तो उसी तरीके से आप पैसा खाने का तरीका क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कॉन्ट्रैक्टर कब पैसा देगा आपको, अगर उसको अपने कोई ठेका दिया तो ठेका देने के लिए अगर पैसा नहीं है तो कर्जा ले लो। कर्जा किसके ऊपर है, कर्जा देश के ऊपर है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट से जो कमाई होती है वो तो डायरेक्ट मिनिस्टर के जेब में जाती है ना, अधिकारियों की जेब में जाती है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक मोपलवार करके एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, होनहार जिसको बोलेंगे आप, ऐसा अधिकारी था। रिटायर्ड होने के बाद में वो 2-3 गवर्नमेंट हो गई, लेकिन हर गवर्नमेंट के अंदर उसको एक्सटेंशन मिलते रहा या उसको स्पेशल पोजीशन देते रहे, वो ऑफिसर और ओएसडी। काय के ऊपर था वो, देखिए समृद्धि महामार्ग हमारे यहाँ पे बना नागपुर से मुंबई तक। पहली बात तो वो मार्ग की जरूरत थी क्या, तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी 2 मार्ग है और बहुत अच्छे शानदार रास्ते है। समृद्धि महामार्ग बना है तो मुंबई नागपुर के बीच का अंतर कितना कम हुआ, 35 किलोमीटर, 700 किलोमीटर में 35 किलोमीटर कम, यानी कोई बात ही नहीं थी, मतलब ही नहीं कुछ। और जो पुराने रास्ते थे वो शानदार रास्ते थे, एक नागपुर से अकोला होते हुए खामगांव होते हुए वहां जा रहा, और दूसरा है नागपुर से वर्धा टू, ऐसा ही 2 रास्ते है, किशोर भाई को मालूम है सारा का सारा। उसके बाद में भी तीसरा रोड जबरदस्ती बनाया। लेकिन क्यों बनाया, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपीज में अगर 10% भी लिए है तो 7,500 करोड़ रुपए हो जाते। इनका तो सीधा मॉडल उन्होंने क्या निकाला कि ये 75 किलोमीटर 750 किलोमीटर का रास्ता था, उसके 30-35 किलोमीटर के टुकड़े बना दिए, यानी आईसी बोलते हैं उसको, इंटरचेंज हर जगह से, यानी 30-35 किलोमीटर पे एंट्री और एग्जिट है इन शॉर्ट। तो वो
दो गेट के बीच का रास्ता ऐसे करके उसके 20-22 टुकड़े बना दिए और टुकड़े बांटते हुए हर कॉन्ट्रैक्टर से 300-300 करोड़ रुपए लेके गए। 20 टुकड़े 300 करोड़, 6,000 करोड़ रुपए एक ही रास्ते में ले लिए। देखिए क्या है अभी ये कांग्रेस वाले जो अभी है ना इनके सामने, ये इनको अगर आप बोलेंगे ना तो लोग इनको बोलेंगे या बीजेपी वाले बोलेंगे साले गधे नंबर एक बेवकूफ थे, क्योंकि वो क्या करते थे 500-600 करोड़ रुपए का कोई ठेका है उसके अंदर से 5% खा लिए, तो 100 करोड़ में 5% यानी क्या हो गया 5 करोड़ रुपए खा लिए। अरे ये 5 करोड़ वगैरह 2-4-5 लाख रुपए विषय नहीं है, कांग्रेस वाले खाते थे किसकी बदली करना है, ट्रांसफर करना है, कुछ है इसमें चिल्लर चाल्लर, यानी वो क्या बोलते उसको चूहे की लीद खाते थे, इसको लेंडी बोलते हैं या बकरी की लेंडी खाते थे। ये जो लोग आए हैं ये हाथी की लीद खाते, इतने बड़ी उनको चलती नहीं, छोटी बड़ी बात ही नहीं करते वो, ये ट्रांसफर ट्रांसफर से फालतू चीजों में नहीं पड़े हुए जो कांग्रेस। तो क्या है कि ये जो आपने बात बताया मोहन केरा ने कि 10,000 करोड़ का जो घोटाला किया है बहुत ही इट इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, मैं यही सवाल पूछ रही थी कि ये जो 10,000 करोड़ का जो घोटाला पॉइंट आउट किया है, ये अगर आप ये कह रहे हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो अनिल जी मैं अब आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, कि ये 10,000 करोड़ का मामला ये कांग्रेस इतना ही समझ पाई इसलिए उसने बताया, या फिर जो प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा, इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि ना महाराष्ट्र का विपक्ष इस चीज को उठा रहा है, ना महाराष्ट्र का मीडिया उठा रहा है जो अभी किशोर तिवारी कह रहे थे, तो फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले की तह तक कैसे पहुंचा जाएगा, या फिर सब गटक कर बैठ जाएंगे और ये सारी जो सच्चाई है वो कभी सामने नहीं आएगी। जी अनिल जी, देखे वो जो है जो उनके पास जिसका तथ्य उनको प्रमाण जुटा पाए, देखिए अभी की स्थिति, आप भी इतने साल से जर्नलिज्म में है, मैं तो मतलब रिटायर ही हो गया हूँ कई साल पहले। पहले क्या होता था कि ऑफिसर्स के पास आप जाते थे पत्रकार, तो वो डिटेल्स देते थे और आप 4-5 जगह डिटेल्स में गए और कुछ अच्छे ऑफिसर देते थे जो फाइल ही दे देते थे, तो आपको ये पता चल जाता था कि क्या क्या स्थिति है और आप स्टोरी करते थे। अब तो घुसने मना कर दिया है। अभी किसी ने बताया कि मंत्रालय, मैं तो अब जानता नहीं, दिल्ली में सेक्रेटेरिएट में आप रेल भवन में जा नहीं सकते, कृषि भवन में जा नहीं सकते, जो ऑफिसेस हैं, और जाना मना कर दिया। पहले वो बुलाते थे, पीआर आपको चाय भी पिलाता था, किसी ऑफिसर के पास गए तो ये एकदम जो अपारदर्शी जिसको कहते हैं आयरन कर्टेन वाला गवर्नमेंट, उसमें मना, मतलब हमारे ही समय में हो गया था, मोदी जी जब आ गए थे, मैं जस्ट रिटायर कर रहा था उस समय, जाते थे रेल भवन, मना कर देता था, कहने लगा कि भाई मत जाया करिए, जरा यहाँ बता दीजिए क्या सवाल है आपके। हम बोले अरे ये थोड़े होता है, हम लोग जाएंगे और तब बात निकलेगी, तो उसमें कई चीजें निकलेंगी, तो हम लोग फिर आगे निकालेंगे। बोला नहीं, अब ये बन गया रूल कि आप जाएंगे, जो ऑफिसर को जाना है उसका नाम पीआरओ को दीजिए लिख करके, और उसका वो बाद में बैठने की जगह ही खत्म कर दी, अब कोई जा ही नहीं सकता, बाहर से ही जिसको फोन से तय किया वही। तो ये एक तरह का है अंतर, समझिए। दूसरा है क्या कि डिटेल्स जो उनको मिला है, जिसको वो साबित कर सकते हैं, उसी डिटेल को उन्होंने रखा है, वो एक इशारा है। ये सही कहा कि टिप ऑफ आइसबर्ग, वो एक इशारा है कि ये अंदर में एक ग्लेशियर है और अभी ये उसका जो आइसबर्ग है वो है अंदर में, उसका ऊपर का भाग आपको दिख रहा है तैरता हुआ, ये वो उन्होंने किया। अभी देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि समझने की जरूरत है। एक तो अव्वल तो ये जो जब बताया ना पोहरे साहब ने, ये सही पिक्चर बताया, जहां जरूरत नहीं है वहां पुलिया फ्लाई ओवर रोड, लोग मांग नहीं रहा है, जरूरत नहीं है उनको, उनके गांव के बगल से रोड निकाल दिया, जबरदस्ती रोड निकाल दिया, जबरदस्ती। और अच्छा ये पैसा कहां से आ रहा है, ये सारे पैसे कर्ज में है, ये सब आ रहा है वर्ल्ड बैंक का पैसा, फलना का पैसा, यही सब पैसा है, नहीं तो जो अपने देश का जो जरूरी पैसा है, गाढ़ी कमाई है, उसको खर्च करना है, उसका 1% 2% जो है वो जो बताया किशोर जी ने कि लाड़की बहना योजना को दे दो। तो अब मान लिया कि 10-50 लाख करोड़ कमा रहा है, उसमें अपने कमा लिया वो मतलब 40% या 30% जो भी है, 2% दे दिया लोगों को, मतलब कि लो तुम भी
हम दे रहे हैं उनको अपना लाड़की बहना योजना है फलना योजना ये सब में, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम, स्कैम का मामला नहीं है। देश की जो मतलब पूरी जो शासन व्यवस्था है उस पर कमेंट है। और ये सही कहा उन्होंने, हम भी इतना दिन तक कवर किया है हमने सरकारों को, वो जो चिल्लर में ही खुश थे, वो मतलब उनको गाड़ी में घुमा दिया। वो क्या कहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक मंत्री हमारे बहुत क्लोज के थे, जैसे ही मिनिस्ट्री ने लिया शपथ ग्रहण, मतलब ये कांग्रेस की बात है, महाराष्ट्र की बात है, बहुत अच्छे मंत्री थे, तो उनके यहाँ लंबी पार्टी थी बड़ी देर, हम लोकल ट्रेन से मुझको जाना था, मैंने कहा कि देर हो रही है मैं निकलता हूँ, तो कहा क्यों, मैंने कहा कि अब मैं जाऊँगा कैसे, फिर वो लोकल ट्रेन छूट जाएगी। उन्होंने कहा करे आप क्यों घबरा रहे हैं। आज एक आदमी आया, दो जो है उसने दे दिए ये क्या कहते हैं गाड़ी रख दिए हैं वो हमारे डिस्पोजल पे, तो कांग्रेस वाले इसी में खुश थे कि उनको उनके मतलब उनके गेस्ट को इधर उधर ले जाने का सुविधा उसने दे दी। यहाँ पर तो ये अगर बोलेगा तो बीजेपी वाले उसको जूते मारेंगे कि अरे ये गाड़ी गाड़ी की फैक्ट्री दो, ये क्या गाड़ी देने से क्या होने वाला है। तो ये स्थिति है। देखिए एक और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि जो पूरा मसला है ना वो इतना आसान नहीं है। उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किया इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड का आप अभी आप नाम ले रही थी वही कंपनी सबको मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पैसे हुए वो पैसे जब अवैध पैसे हैं तो वो पैसे कैसे रह सकते हैं, वो बीजेपी उसको खर्च कर रही है सबसे ज़्यादा, बाकी लोग भी थोड़ा है उनको मिला हुआ, लेकिन उन लोगों ने ठेके दे करके नहीं लिए हैं, उन्होंने कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध पैसा उनके पास भी है, ठेका तो बीजेपी दे रही है अभी, तो उनको चंदा मिला है, लेकिन चंदा मिला है लेकिन इस चंदे को उसका उसको निकालना मतलब उसको अवैध पैसे को वापस लौटाना सरकारी खजाने में कम है, अभी हजारों लाखों करोड़ में कुछ नहीं बुझा रहा है। ये जितना भी है उसको सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ना कि ये अवैध पैसा आपने किस आदमी कैसे लिया, उसके लिए सजा देने का और उसका ये भी उनको निकालना था। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी इन्वेस्टिगेशन से या किसी इंक्वायरी से मना ही कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो अब महाराष्ट्र में जो ये 10,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम कांग्रेस ने उजागर किया, किशोर जी मैं अब आपको क्या इसको महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं क्या इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे या फिर और भी इसमें डिटेल्स निकलेंगी जिसमें कि मोदी सरकार की और केंद्र सरकार की इसमें किरकिरी हो सकती है, क्या ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का? जी किशोर जी। नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े जाएंगे और ऐसा हो गया है पॉलिटिक्स के अंदर। अभी आप देखो महाराष्ट्र में सुबह से यही न्यूज आती है कि ये इस पार्टी में ये चला गया, उस पार्टी में वो चला गया, वही करप्ट लोग इधर से उधर होते रहते हैं, हवा देखते हैं। वो तो मेरे ख्याल से सटोरिया वाले का कैसा आता है सट्टा बाजार का रिकॉर्ड, ऐसे ही वो लोग है ना, ये पूरी सुगाई करके इधर से उधर होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनली करप्ट लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के विरुद्ध में नहीं आ सकते। और आजादी मिलने के एक 20-25 साल तक ठीक चला, उसके बाद थोड़ा 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 भ्रष्टाचार पनपने लगा, लेकिन पिछले 20 साल से कहता हूं मैं कि बड़ा बड़े बड़े ठेके बड़े बड़े खदानों को देना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देना, और पिछले 10 साल के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेक मुझे लगता है कि 240 लाख करोड़ का टोटल मोदी जी ने कर्जा करा है। और कांग्रेस डरती थी पैसे खाने को भी, कर्जे कराने को भी, अकाउंटेबिलिटी को भी, और अभी देखिए माधवी बुच का आप लोग की कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस एक विसल ब्लोअर पार्टी बोल के कर रही है, हेड ऑन कर रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी ही एक आदमी है जो हेड ऑन कर रहे हैं।
दूसरे सब लोग तो गोलमोल बात करते हैं। तो नहीं, लेकिन आपकी भी तो पार्टी है ना, उद्धव ठाकरे जी की भी तो पार्टी है, क्या आप लोग ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में? तो ये तो कांग्रेस ने उजागर किया इसको, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या कर रही है, शरद पवार जी की पार्टी क्या कर रही है, इस ये सब पार्टी कितना बड़ा इसको मुद्दा बनाएंगी जी? अगर आप अंबानी की शादी में नाचोगे और अडानी के साथ खाना खाओगे तो क्या उजागर करोगे? ये हमाम में सब नंगे है। अब हमारे तरीके विसल ब्लोअर पार्टियों में जाके प्रवक्ता बन के करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम इस सरकार के सारे करप्शन को फोकस में रखेंगे कि भाई ये चारित्र निर्माण, संस्कार, राष्ट्र निर्माण, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुओं का संगठन, हिंदू राष्ट्र, और पूरा का पूरा देश बेचने को निकाला हुआ है। तो इस पे चर्चा करेंगे ना, जनता के पास जाके जनता को समझाने की बहुत आवश्यकता है के कितने भी निकम में ही राज्यकर्ता रहे। अब आपने अंबानी की शादी का जिक्र किया था, तो जो अंबानी की शादी में तो उद्धव ठाकरे भी गए थे, तमाम वो विपक्षी नेता गए थे, तो फिर कहां से चीजें उजागर होंगी? उद्धव ठाकरे जी भी गए थे, राहुल गांधी नहीं गए थे? हाँ, राहुल गांधी नहीं गए। अरे भैया, उद्धव ठाकरे जी का तो छोटा बच्चा डांस कर रहा था। देखिए, हम अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो हमारे पार्टी में पहले करप्ट लोग नहीं रहने चाहिए ना, नहीं रहने चाहिए। पार्टी से नाराज क्यों लग रहे हैं? भ्रष्टाचार नाराज नहीं, खुश नहीं है उद्धव ठाकरे से? नहीं नहीं, मैं किसी से खपा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आरएसएस से आया था, बीजेपी के साथ काम करता था, और यही मैंने 14 से 19 में इनको बहुत ही जैसे समृद्धि मार्ग वो बता रहे थे, इसमें मुझे मालूम पड़ा था ना कि 1000 किलोमीटर के स्पैन को बीजेपी ने 500 किलोमीटर और एकनाथ शिंदे के मार्फत दूसरी पार्टी ने 500 किलोमीटर बांट किया था। हाँ, तो ये सब चीजें कर समृद्धि मार्ग दूसरा बन रहा था तो भी किसी ने कुछ बोला नहीं। तो ये मिल बांट के खाने वाले लोग हैं, ये सब चीजें देश को बर्बाद कर रही है। और साउथ ईस्ट एशिया में भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें आज देखो, आज है ना, नवाज शरीफ ने बोला ना कि भारत से संबंध, मैं तो कह रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे जहां पर भगवान गौतम बुद्ध या सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य फैलाया था, ईरान, अफगानिस्तान, उत्तर तो दूर नहीं जाऊंगा मैं, फिर पाकिस्तान, इधर मलेशिया, बर्मा, पूरा बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब एक हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे देशों में करप्शन के वजह से तो सब छाया हुआ है ये सब। अब देखो श्रीलंका में, नहीं नहीं, एक बात बहुत मैं बोल देता हूँ, एक मिनट कि श्रीलंका में जैसे, हाँ बहुत छोटे में बोलता हूँ, श्रीलंका में जैसे कपड़े फाड़ फाड़ के मारा, हाँ जैसे बांग्लादेश में भी घुस गए, वैसे यार ये अमित शाह और मोदी का होगा नहीं ना, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। हाँ, और ये तो छोटे मोटे है, हाँ अमाम में अध नंगे लोग है, ये पूरे नंगे लोग तो सामने दिख रहे हैं अपने। ठीक है, अब मैं अंत में कमेंट लूंगी प्रकाश जी से और अनिल जी से। प्रकाश जी क्या कहेंगे इस जो भ्रष्टाचार का मामला जो आज कांग्रेस ने उजागर किया है, लेकिन आप खुद अगर ये कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो क्या जनता को, महाराष्ट्र की जनता को क्या असलियत, बीजेपी के भ्रष्टाचार की असलियत क्या पता चल पाएगी? बहुत संक्षेप में सर। नहीं देखिए, इनको पता नहीं है महाराष्ट्र के सरकार लोगों को, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन क्या है अभी कॉमन आदमी क्या कर सकता है नीलू, एक बात समझाओ, क्या करेगा बेचारा कॉमन आदमी? अभी इनका तो मैंने आपको एक समृद्धि महामार्ग का बताया, मेट्रो का तो इनका इतना लंबा चौड़ा किस्सा है कि मेट्रो का सिर्फ वो जो कार शेड था कांजूर मार्ग में होने वाला था, वो सिर्फ कांजूर मार्ग की जगह जो थी वो सारे बिल्डर्स ने ले ली थी, तो वहां से वो जगह शिफ्ट करके आरे कॉलोनी में डालने के लिए इन्होंने 4000 करोड़ रुपए एक रात एक मीटिंग में लिए कि भाई हम वहां से निकाल के आरे कॉलोनी में डाल देते, कांजूर मार्ग छोड़ देते, क्योंकि जगह उन्होंने 40,000 करोड़ की जगह थी,
तो उसके अंदर से 10% भी खाए तो भी 4,000 करोड़ होते थे, तो 3,650 करोड़ में डील फाइनल हो गया था इनका। तो इनके तो जो खाने के जो है ना, तो ये तो आप सोच नहीं सकती हो, सोच भी नहीं सकती हो। 10,000 करोड़ वगैरह तो बहुत ही मामूली बात बोला जी उन्होंने, उनके पास में जितने कागज आए उसके ऊपर से बोल रहे। 30-40 हजार करोड़ रुपए का तो मैं इनके नोटिंग करवा सकता हूँ आपको, इतने इनके बड़े बड़े कांड है। और अभी कैसा है कि देखिए, ऐसा है कि अभी उनको मालूम है कि अभी सरकार वापिस से आने वाली नहीं है, तो जाते जाते जितना नोच सकते हैं, पिछले 2.5 साल के अंदर जो करप्शन के क्या बोलते हैं उसको, इन्होंने ऊंचाइयां छुई है, या जो नए नए मापदंड इन्होंने क्रिएट किए हैं, ये एक इतिहास बन के रहेगा, इतिहास बनकर। इनको मालूम है कि ये अगर सत्ता में बने नहीं रहेंगे तो जेल में रहेंगे, इसीलिए अभी सत्ता में रहने के लिए ये एट एनी कॉस्ट ये काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी किशोर को मालूम है कि लाडली बहना लेकर जिस तरीके से पैसा लुटाने का, किसका पैसा है, इनका खुद का पैसा है, तो जेब में चलेगा या भारत के बाहर निकल गया, लेकिन आपका जो टैक्स का पैसा है वो सारा लुटा रहे। और 40,000 करोड़ का तो ठेकेदारों के बिल बाकी रहे, 9,000 करोड़ का खर्चा कर दिया, 65,000 करोड़ का खर्चा है और स्कूलें कर दी। हाँ प्रकाश जी, आपका सिग्नल कट रहा है इसलिए, और समय भी कम है, इसलिए मैं अब अंतिम कमेंट के लिए अनिल जी के पास जाऊंगी। आपकी आवाज एकदम लास्ट में कटने लगी थी। अनिल जी क्या कहेंगे अंत में इस घोटाले के ऊपर, और क्या अब बीजेपी ने घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? क्योंकि अगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है तो फिर बीजेपी किस स्तर पर घोटाला कर रही है और कहां हर राज्य में कर रही है, इसका तो पता ही नहीं चल पाएगा। क्या कहेंगे अंत में, बहुत संक्षेप में अनिल जी? देखिए, ये पोहरे साहब और किशोर जी ने पूरा पिक्चर रख दिया। देखिए क्या है, टैक्स जो टैक्स पेयर का पैसा है वो आप लाड़की बहना योजना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो प्रोविजंस सरकारी योजनाएं हैं जो वाइट है उसमें आप डाल दीजिए, गया वो टैक्स पेयर का पैसा, और रिसोर्सेज जो कंट्री का वो बेच दीजिए ठेकेदारों को, उसका पैसा लेके अपने जेब में रख लीजिए और उसको खर्चा करके सरकार में आ जाइए। देश गड्ढे में जाएगा, कर्जा बढ़ रहा है पूरा, डॉलर अभी कहाँ है, डॉलर की कोई चर्चा ही नहीं है। आपको याद होगा उनका भाषण सब, डॉलर की कोई चर्चा ही नहीं, 84 रुपया पार कर गया है, और उस पर क्या क्या उनका, अब तो मीम भी बनाना लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि तो मान लिया कि यही हाल होने वाला है, तो वो खत्म हो गया है। तो ये है कि देश में सच में जो है चिंता इस बात की होनी चाहिए कि देश को जो है बेचने का काम पूरा कर रहे हैं ये, और साथ में अभी बहराइच है, मणिपुर है, स्टेट है या नहीं है राज्य, ये इसी का पता नहीं चल रहा है। स्टेटलेस का जो केओस जिसको आप कह रहे हैं, केओटिक सिचुएशन है, अराजकता है, एनार्की है, पूरा स्टेट मिल गया है एक कम्युनिटी को, मतलब वहाँ कोई किसका आप सुनवाई करेंगे, उसको जाके गोली मार दे रहा है, पाँव में कह रहा है, एनकाउंटर हो गया, सब जो है ऐसे ही भाग रहा है। अच्छा, अगर जेल से भाग रहा है, पकड़ रहा है, तो तुम रिजाइन करो ना, मतलब दो कैदी को भी नहीं संभाल सकते, दो जो है कैदी को आपके ही गिरफ्त में, दो महत्वपूर्ण कैदी अतीक अहमद और उसके भाई को गोली से उड़ा दिया वो अस्पताल में, और ये जंगल राज और किसको कहते हैं, अगर कुछ नहीं संभल रहा है और उसके बाद वो मुस्कुराते हैं, और वहां के चीफ मिनिस्टर, यही हाल यहाँ है। अभी देखिए जितना खिला हुआ चेहरा, तीन चेहरे हैं वो, उसके जिक्र लास्ट पॉइंट रखता हूँ कि अजीत पवार और ये तीनों मिलके वो महायुति वाला दिखा रहे थे, उसमें जो रिलीज कर रहे थे तो दोनों के चेहरे लटके हुए थे, अजीत पवार किसी तरह हंसने की कोशिश कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस भी बेचारे हंसने की कोशिश कर, क्योंकि वो दोनों तो अपने को बड़े नेता मानते थे, और सबसे खुश जो है और सबसे हंसता हुआ नूरानी चेहरा जो है वो था एकनाथ शिंदे का, क्योंकि वो दोनों को इशारा कर रहा था कि देखो तुम लोग अपने को बड़ा बड़े नेता मानते थे और देखो तुम्हारे माथे पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो जो बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि दोनों को लग रहा था कि ये बताइए कि हमारा नेता है ये। तो ये जो है सिचुएशन है, आप इसको कुछ नहीं, सच में कहा कि राहुल गांधी के अलावा उसमें कांग्रेस को शामिल मत मानिए, राहुल गांधी अकेले जो है ना हेड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कई हद तक वो देखा आपने हरियाणा कैसे लूट लिया उन्होंने,
उसी तरह से ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र में क्या होगा कोई जानता नहीं है, करोड़ों रुपया खर्च होने वाला है, ये सब जो आया है पैसा वो कहाँ जाने वाला है, इसी चुनाव के लिए खबर, इस खबर का बाहर आना कि 10,000 करोड़ रुपए का जो एक घोटाला है, ये इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र में भी कुछ वैसे ही घालमेल की तैयारी होगी जो हमने हरियाणा में देखी थी, और तोड़ मोड़ कर किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि चुनाव को लूटने की कोशिश होगी, क्योंकि जब पैसे की उगाही हो रही है, पैसा तिजोरियों में भर भर के और जनता को बांटा जा रहा है, और फिर माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव आयोग करवा ही देगा, तो फिर बीजेपी के पास बचा क्या है, वो अस्वस्थ रहेंगे कि वो महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत जाएंगे। लेकिन जनता काफी कुछ चीजें बदल देती है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जो हुआ था वही चीज महाराष्ट्र में भी होगी, वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता हैं और उनको अपनी चाल खेलनी भी आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार मोदी और शाह अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर है कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। लेकिन प्रकाश पोरे जी ने जैसा कहा कि ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार का स्केल उस राज्य में क्या होगा, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, आप पूरे राज्यों को अगर सारे राज्यों को मिला ले तो आप सोचेंगे कि कितनी ईमानदार है मोदी सरकार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश पोरे जी, किशोर तिवारी जी, अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।